आज जब मैं राणा प्रताप की धरती से राजस्थान के चुनाव प्रचार को आरंभ कर रहा हूं, लेकिन उस बीच जब मैं यहां आ रहा था तो आज जानकारी मिली कि हमारा मित्र देश हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आतंकवादियों ने अनेक बम धमाके किए और बम धमाके चर्च में हुए, होटलों में हुए। आज पूरे विश्व में ईस्टर का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के शांति के संदेश को दुनिया आत्मसात करने के लिए आज पूजा पाठ करती है, बड़ी श्रद्धा के साथ संकल्प करती है। निर्दोष लोग आज चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, उसी समय इन नराधम आतंकवादियों ने सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को, श्रीलंका के हमारे पड़ोस में आतंकवादी ने खूनी खेल खेला, निर्दोषों को मार दिया। भाइयों बहनों, आतंकवाद कितना भयंकर है, हर दिन दुनिया में कहीं ना कहीं धरती को खून के रंग सा रंग दिया जाता है। आज श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।